राजनाथ सिंह के द्वारा आज लखनऊ में रोड शो किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और तमाम जनता यहां पर उमड़ी है बीजेपी के झंडों के साथ। नामांकन से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ये रोड शो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता इस रोड शो में शामिल हैं और नामांकन से पहले इस विशाल जलसे का आयोजन यहां पर किया गया। इस रोड शो के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है राजनाथ सिंह के द्वारा। लखनऊ से नामांकन आज अपना भरेंगे। नामांकन से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ये रोड शो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख सकते हैं। किस प्रकार की तस्वीर यहां से लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रही है, किस प्रकार से माहौल यहां पर बना हुआ है जहां पर तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और साथ ही तमाम जो लोग हैं यहां पर आए हैं उनके हाथों में बीजेपी के झंडे आप देख सकते हैं। जाम की स्थिति यहां बनी है, सुरक्षा की व्यवस्था यहां पर पूरे तरीके से भी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर जो सबसे खास बात ये कि ये शक्ति प्रदर्शन इस रोड शो के जरिए किया जा रहा है राजनाथ सिंह के द्वारा। बड़ी खबर आपको बता दें और उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता भी इस रोड शो में शामिल हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही है जहां पर नामांकन पत्र भरने से पहले जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह अपने काफिले के साथ निकले हैं और एक रोड शो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, नामांकन भरने से पहले और इस रोड शो से पहले जो राजनाथ सिंह है गृह मंत्री हैं उन्होंने भगवान के आगे शीश नवाया। वहीं दूसरी तस्वीर में आप हनुमान मंदिर में योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। जी हां, हालांकि बात अगर योगी आदित्यनाथ की जाए तो वो किसी भी प्रकार के प्रचार में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि 72 घंटे का बैन उन पर विवादित टिप्पणियों को लेकर लगा दिया गया है। सुबह 6 बजे से उन पर जो बैन है वो लगा हुआ है। बावजूद उसके जो हनुमान मंदिर में योगी आदित्यनाथ की ओर से आज मंगलवार के दिन पूजा अर्चना की गई, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने पूजा पाठ किया, बजरंग बली के चरणों में अपना शीश नवाया और उसके बाद रोड शो उन्होंने किया और धीरे धीरे नामांकन पत्र दाखिल करने की ओर वो बढ़ रहे हैं। रोड शो उनके द्वारा किया जा रहा है लेकिन ये नामांकन से पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर नामांकन से पहले उन्होंने बजरंग बली के मंदिर में जाकर बजरंग बली के आके शीश नवाया। वहीं दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जिन पर 72 घंटे का बैन लगा है हनुमान मंदिर में जब उन्होंने पूजा अर्चना की तो चर्चा का विषय बन गए।